मेरी गल नहीं है, अल्लामा इकबाल बोले। इकबाल कहना है, ए मुसलमान खुद से पूछ और मुल्ला से न पूछ, ए मुसलमान खुद से पूछ और मुल्ला से न पूछ, हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। मैं क्या इकबाल तेरे साड़ी रड़ी कट दी है इन्होंने। ये कहते ने मजहबी बंदियां दा सियासत च कम कोई नहीं, ये ते कहते ने सियासत ते हकूमत च मजहबी लोगों का कोई इख्तियार नहीं। इकबाल कहता है जो मजहबी मजहबी लोग अलहदा होके बैठ जावे हुसैन का राह छड़ देवे, इकतदार ते मजहबी बंदा नहीं होगा, फिर कुरान जलते रहेंगे स्वीडन के अंदर, फिर डेनमार्क के अंदर कुरान जलते रहेंगे, फिर फ्रांस नबी दे खाके बनते रहेंगे, फिर कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। आज जवाब क्यों नहीं दिता जा रहा? 56 इस्लामी मुल्क इस्लाम का दावा करने वाले हुक्मरान होवन, हजूर के खिलाफ फिल्मा बनन, नबी दी अहले नबी दी बेटी ते नबी दी अजवाज दियां फिल्मां बनाईयां जावण, कार्टून बनाए जावण, कोई एक भी बंदा जवाब देवण नूं तैयार नहीं है। वजह क्या है? इकबाल कहंदा है, मैं दसना वजह ए है कि काफलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, काफलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार भी ये सूए दजलो फुरात, और क्या नहीं है कोई गज़नबी कार गहे हयात में, क्या नहीं है कोई गज़नबी कार गहे हयात में, बैठे हैं कब से मुंतजर अहले हरम के सोमनाथ। फिर इकबाल दस क्यों जलील हो रही है उम्मत? इकबाल कहता है इन्हां दे सीने इश्क तो खाली ने, जो इन्हां दे सीने में अल्लाह नबी दा इश्क आ गया, ए फाते हो जावणगे जिवें रब ने बदरियां ते ओहदा लिया नूं, जिवें अल्लाह ने बदर आलिया ते हुनैन आलिया नूं फतह दित्ती, अल्लाह इन्हां नूं भी फतह देवेगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि कोई उस इश्क नाल आवे ते सही। किस वास्ते? के सिदके खलील भी है इश्क, सबरे हुसैन भी है सवा एक बजे में नहीं कौम सबर नाल बैठी, ये हुसैन दा सबर है जिदा जिक्र भी सबर दे दिंदा। उच बोलो, सिदके खलील भी है इश्क, सबरे हुसैन भी है इश्क, सिदके खलील भी है इश्क, सबरे हुसैन भी है इश्क, मार काए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। मौला हुसैन ने हदीस पढ़ी, फिर एक और हदीस सुनाई, इजाजत तो सुनाओ, सिर्फ तर्जमा सुना दे। आपने फरमाया, मेरे नाना जान ने फरमाया, जिन्हें एवं का हुक्मरान वेख्या या एवं का बंदा वेख्या जिहड़ा अल्लाह दियां हद्दां नूं तोड़न वाला, हलाल नूं हराम, हराम नूं हलाल आखण वाला, रब दे वादे नूं पामाल करण वाला, जिहड़ा एवें दा हुक्मरान वेखे फिर उन्हों हाथ नाल या जुबान नाल मना ना करे, तमाशा देखता रहे। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह दे उत्ते हक है कि जिथे जालिम नूं दाखिल करेगा कियामत नूं, तमाशा देखण वाले नूं भी नाल ही दाखिल कर, जालिम दी सपोर्ट करण वाले दा अंजाम की होवेगा। हजूर ने फरमाया, फकत खराजा मिनल इस्लाम, वो इस्लाम विच बाहर हो गया। और यही हदीस मौला हुसैन ने कियामत तक लोगों वास्ते सुना के राह कट दी, तुसीं कित्थे खड़े हो? और मौली इत्थे मिंबर ते बह के रमीज भाई की दावत उत्ते आके जनाब गल करे, भाई साहब ए फलाना यजीदी है, फलाना जनाब कमीना है, फलाना एवें दा, तुसीं आखोगे मौलवी
तू सियासी मौलवी है, जाहिर है तेनू अपनी पार्टी चंगी लगनी है, तेनू बाकिया के अंदर कोई गल चंगी नजर आनी कोई नहीं। मैं इवें इल्जाम का कायल ही नहीं, रब ने तुहानू अकल भी दी है, दिल भी दिता है, सोच भी दी है, फैसले तुहाडे ते छोड़ के जा रहे हैं कि त्रै त्रै पासों मसीतां दे स्पीकर उतारना जुल्म है कि नहीं। यह मैं दसो कि मुमताज कादरी नू फटे लाना ते कुलभूषण यादव नू अजे तक जिंदा रखना जुल्म है कि कोई नहीं। यह तुसा फैसला करना, असा ना नहीं लेंदे कि किन्ने कीता किन्ने नहीं कीता। यह तुहाडे अंदर जिहड़ा काजी बैठा उहदे तों पुछो कि यारा खत्मे नबूवत दे हलफनामे तब्दीली जुल्म है कि नहीं। जिहड़े उहनू ठीक करन दा मुतालबा करन उहनां विच अठ अठ बंदियां नू गोलियां मार के फैजाबाद गिरा देना जुल्म है कि कोई ना। यह तुसा फैसला करना है कि जनाब आला फिर रियासत मदीना दे दावे करने वाले आ जावन, फिर एक फ्रांसीसी सफीर दी खातर फिर सताई सताई बंदियां नू गोलियां मार के मस्जिद रहमत अलआलमीन दे अगे ढेर कीता जाए, ये अमल जुल्म है कि कोई ना। और तुसी मैनू दसो यारा ये सारे जुल्म पाबंदियां जेलों के अंदर सैयदजादे ते उलमा नू सटना जुल्म है कि नहीं। ये तुहाडे जनाब आला मोड़ा जंजोआ दी छोटी जी मस्जिद नू 12 महीने एक महीने का बिजली का बिल माफ ना हो, करतारपुर 14 अरब का एक गुरद्वारा बना दिता जाए, जिहड़े गुरद्वारियां ते अरबा रुपए ला दें, चर्चा दे अरबा रुपए ला दें, मंदिरों वास्ते इस्लामाबाद के मंदिर के अंदर जनाब 60 करोड़ की ग्रांट मंजूर कर दें सिर्फ जमीन खरीदने वास्ते, तामीरात के पैसे अलग होवन। मैनू दसो ये अमल करना जुल्म है कि नहीं। मसीतां दे उत्ते जनाब टैक्स होवन टीवी दे वी, ते गुरद्वारियां वास्ते ते मंदिरों वास्ते जनाब आला तुहाडी फुर्तियां होवन, ये अमल जुल्म है कि नहीं। ये सारे जालिम एक जगह दे उत्ते खड़े ने ते इन्हां दे मुकाबले दे अंदर तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह हुजूर दे दीन वास्ते खड़ी है। ते फैसला तुसा करना है कि तुसी किथे जाना है, मौलवी तो ना पुछो, कोई तुहाडे अंदर भी ते बैठा है। ये तुसा फैसला करना है, इन्हां जालिमां दे तुसी तमाशे वेखदे रहना है या इन्हां जालिमां दा हथ रोकना है। इन्हां जालिमां दा हथ रोकण वास्ते अगर मैदान विच खड़े हो के सरे आम नहीं आ सकते, परची दे के रसूलुल्लाह मुमताज फटे लाया, जे तेरे वोट नाल मुमताज फटे लग सकदा सी ते बचाया भी जा सकदा सी, तेरे वोट नाल आफिया सिद्दीकी अगर बेची जा सकती ते वापस भी ले आई जा सकती है, तेरे वोट नाल इक्तदार आले मंदिर बनांदे रहे, ते तेरे वोट नाल इक्तदार चाके दारुल कुरान दारुल हदीस ते मस्जिदां भी बनाईयां जा सकदियां। लेकिन जनाब दी जिम्मेदारी है खुद मैदान च खड़े होवो ते दसो, सानू यकीन है हजूर दा दीन तख्त आवण वाला है ते आवेगा, बोलो इंशाल्लाह। क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन, सुभान अल्लाह, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, नाम शाहने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां हशर तक नामो निशाने पंजतन है।